ये जो बिच्छू है ये बच्चे पैदा करने के बाद उनको अपनी कमर में बिठा देता है और ये बच्चे फिर अपनी माँ का गोश्त खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उनकी माँ मर नहीं जाती। जब ये खुद चलने के काबिल हो जाते हैं तब तक उनकी माँ भी मर जाती है, यानी कि ये अपने बच्चों को पालते पालते अपनी जान दे देती है और फिर बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल के इंसान हैं, आजकल के बच्चों के लिए उनकी माँ अपनी सारी जिंदगी उनके साथ ख्वारी करती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं तब तक उनकी माँ कमजोर, लाचार और बेबस हो चुकी होती है और फिर ये बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। छोटे थे तो लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हुए तो लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। थोड़ा शर्म करे इंसान जो नए रिश्तों की खातिर अपनी माँ का ना रहा। याद रखना, वक्त ऐसा भी आएगा जब तू कहेगा कि माँ के अलावा अब मेरा कोई ना रहा। यार माँ तो आखिर माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। वो बिना कुछ कहे सारे दर्द सहती है, पर अपने बच्चों का एक दर्द भी उसके लिए 100 दर्द के बराबर होता है। खुद ना सो के जो अपने लाडले को सुलाती है वो माँ होती है। अगर दुनिया में कहीं जन्नत होती तो वो जरूर माँ होती। कभी ना देना तुम तकलीफ अपनी माँ को, उनका तुमसे उदास होना तुम्हारी आखिरत बिगाड़ देगा। अपना मुंह कैसे दिखाओगे खुदा के सामने, जिसके कुल फरिश्ते तुम पर लानत भेजते हैं। मत नजरअंदाज करना अपनी माँ की तकलीफों को। जब ये बिछड़ती है तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुमको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ की खिदमत करो, क्योंकि ये मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों को अपनी माँ के प्यार का एहसास हो, और क्या पता आपके एक शेयर करने पर किसी माँ को बेटे का प्यार मिल जाए।